स्वैग से करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत। हमने दिलों को लीजिए थाम और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का काम। और आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है साइको। ये साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इसमें एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है और एक ब्लाइंड लड़का कैसे सीरियल किलर को पकड़ता है। मूवी की स्टार्टिंग होती है, एक लड़की चिल्ला रही थी, हमारा सीरियल किलर आता है और वो उस लड़की की गर्दन काट देता है। और सीन शिफ्ट होता है, पुलिस वाला एक लोकेशन पे जाता है जहाँ उस लड़की की बॉडी मिलती है, लेकिन उसका सर कहीं नहीं मिलता। उस लड़की के पेरेंट्स आते हैं, उसकी माँ बॉडी के पैर पे तिल देखती है और वो समझ जाती है कि ये हमारी बेटी ही है। और उस लड़की के पापा पूछते हैं, क्या हुआ, वो हमारी बेटी नहीं है ना? लड़की की माँ कुछ नहीं कहती। सीन कट होता है, हमारी मेन कैरेक्टर दागिनी एक आरजे थी, वो इंटरव्यू ले रही थी एक साइकेट्रिस्ट का। दागिनी कहती है, एक सीरियल किलर हमारी सिटी में घूम रहा है, उसने अभी तक 13 लड़कियों का किडनैप करके मर्डर कर दिया है। वो उन लड़कियों का सर अपने पास रख लेता है और बॉडी पब्लिक एरिया में सबको दिखाने के लिए रख देता है, और वो लड़कियों के साथ कोई गलत काम नहीं करता। ऐसे लोगों के माइंड में क्या चलता है, वो क्यों करते हैं ऐसा? साइकेट्रिस्ट कहती है, ये साइको किलर होते हैं, लोगों को मारना और उनके बॉडी पार्ट्स को ये अपने पास रखते हैं एक ट्रॉफी की तरह। और ऐसे लोगों में कोई इमोशंस नहीं होते और कोई इंसानियत नहीं होती। ये हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है, हमें इसे जल्दी पकड़ना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमारा दूसरा मेन करेक्टर, उसका नाम गौतम था, वो दागिनी से प्यार करता था इसीलिए वो उसका प्रोग्राम सुन रहा था और वो ब्लाइंड था। सीन शिफ्ट होता है, दागिनी लाइब्रेरी जाती है, गौतम अपने दोस्त कम भाई के साथ उस लाइब्रेरी में था। दागिनी को गुस्सा आता है, दागिनी जाती है और वो अपने पापा को कहती है, ये लड़का मेरा डेली अपने दोस्त के साथ पीछा करता है, मैंने इसे इतनी बार मना कर दिया लेकिन ये सुनता ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने उस लड़की के घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स बताते हैं कि किसी ने यहाँ हमारी बेटी की स्कूटी पार्क कर दी। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन हो सकता है सीरियल किलर। और सीन शिफ्ट होता है, दागिनी अपने पापा के साथ प्लांट लेने जाती है, वहाँ पर भी गौतम आता है। दागिनी लाइन में लगती है, गौतम का दोस्त राजनायकम गौतम को लाइन में लगवाता है। दागिनी प्लांट लेकर गुस्से में आ जाती है और वो राजनायकम के पैर पर मारती है। सीन शिफ्ट होता है, एक आदमी होटल में रूम मांग रहा था, उसने बुकिंग करवा रखी थी लेकिन उसकी बुकिंग नहीं थी और उसे रूम नहीं मिलता। गौतम आता है, उस आदमी को रूम दिलवा देता है क्योंकि गौतम उस होटल का चेयरमैन था। सीन शिफ्ट होता है, दागिनी अपने पापा के साथ अपने दोस्त की शादी में जाती है, वहाँ गौतम ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में म्यूजिक बजा रहा था। दागिनी को गुस्सा आता है, वो अपने दोस्त से पूछती है, ये कौन है? उसकी फ्रेंड कहती है, ये मेरे भाई का फ्रेंड है। दागिनी कहती है, अपना फ़ोन दिखाना। वो फ़ोन करती है और गौतम के पास जाती है और कहती है, तुम कितने बेशरम हो, इतनी बार मना कर दिया, मेरा पीछा मत करो, तब भी तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, तुम फ्रॉड हो, तुम यहाँ मेरा पीछा करके आए हो, अब यहाँ से तुम भागो। दागिनी गौतम को गिरा देती है, उसका दोस्त राजनायकम गौतम को उठाता है और कहता है, टाइम आ गया है अपनी फीलिंग बताने का। वो उसे चेयर पर बैठाता है और उसे गिटार देता है, गौतम गिटार बजाता है और गाना गाता है। दागिनी को बुरा लगता है, उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि ये सच में उसके दोस्त के भाई का दोस्त है। गौतम और राजनायकम जा रहे थे, राजनायकम बुराई करता है दागिनी की, गौतम मना करता है बुराई करने के लिए। गौतम कहता है, मैं यहाँ दागिनी का वेट करूंगा, राजनायकम चले जाता है। गौतम दागिनी का इंतजार करता है, दागिनी आती है और कहती है, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी। गौतम कहता है, कोई बात नहीं। दागिनी कहती है, देखो मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, तुम्हें देखकर मुझे बस तरस आता है। गौतम कहता है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैंने तुम्हें बता दिया। दागिनी कहती है, तुम्हें मेरे रूटीन के बारे में कैसे पता चला? गौतम कहता है, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड को 500 रुपये और तुम्हारे हाउस की मेट को 2000 रुपये देकर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लेता हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। दागिनी कहती है, अच्छा ऐसी बात है ना, कल मैं अपने पापा को भी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और अगर कल तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। गौतम कहता है, अगर मैं जीत गया तो तुम अगले हफ्ते मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाओगी। दागिनी कहती है, ठीक है पहले कल ढूंढो तो। गौतम कहता है, कोई क्लू तो दो। दागिनी कहती है, मैं नहीं दे रही। गौतम के बहुत कहने के बाद दागिनी जाते जाते कहती है, कल मेरा प्रोग्राम सुन लेना रेडियो पर, मैं वहीं पर क्लू दूंगी। गौतम उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और राजनायकम को गूगल खोलने को कहता है। दागिनी ने क्लू में रेलवे का जिक्र किया था। दागिनी रेलवे स्टेशन में गौतम का वेट करती है, उसे पूरा यकीन था गौतम उसे ढूंढ लेगा। एक आदमी आता है, वही सीरियल किलर था। दागिनी कहती है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। सीरियल किलर कहता है, तुम हर दिन मेरे बारे में ही तो कहती रहती हो रेडियो में। दागिनी समझ जाती है सीरियल किलर है और वो क्लोरोफॉर्म स्प्रे करता है। दागिनी बेहोश हो जाती है, वो गौतम को देखती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। सीरियल किलर दागिनी को पकड़ता है और शांत हो जाता है ताकि गौतम को पता न चले। गौतम उसकी तरफ स्टिक करता है लेकिन सीरियल किलर दागिनी को लेकर जा रहा था। गौतम को शक होता है क्योंकि उसे दागिनी की स्मेल आ रही थी, लेकिन जब तक सीरियल किलर चुपके से दागिनी को ले जाता है लेकिन दागिनी की रिंग गिर जाती है। गौतम उसे बहुत मुश्किल से ढूंढकर उठाता है और वो पुलिस वालों को फोन करता है और वो सबको बताता है कि सीरियल किलर दागिनी को ले गया।
दागिनी के पापा आते हैं रोते हुए, गौतम से कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गौतम कहता है आप उसे जल्दी ढूंढिए। लेकिन पुलिस वालों को शक होता है कि दागिनी यहाँ आई भी थी। इसका कोई प्रूफ नहीं था कि सीरियल किलर उसे ले गया। चीज शिफ्ट होता है सीरियल किलर के अड्डे पर, जहाँ हर जगह खून ही खून था। उसने दागिनी को एक टेबल पर बांध कर रखा था। वो सीरियल किलर का बड़ा चाकू देखती है और दागिनी का सर काटने ही वाला था वो, लेकिन दागिनी की आंखों में डर नहीं था। सीरियल किलर कहता है तुम डर क्यों नहीं रही? दागिनी कहती है मुझे पता है जैसे ही तुम मुझे मारोगे गौतम यहाँ आ जाएगा और तुम्हारा लोगों को मारने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारी लास्ट शिकार हूँ। सीरियल किलर कहता है वो मुझे नहीं पकड़ सकता, वो तो अंधा है। दागिनी कहती है एक हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है, तब तक वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, मुझे अभी मार दो जल्दी। सीरियल किलर उसे नहीं मारता, वो वहां से चले जाता है। वो कार में एक प्रोस्टिट्यूट को पकड़ के लाता है और वो उसे बेहोशी वाले चॉकलेट खिलाकर बेहोश कर देता है और उसे अपने अड्डे पे ले आता है और वो प्रोस्टिट्यूट को दागिनी के ऊपर लेटा देता है और दागिनी को घसीट के वहां से हटाता है और वो उसे कोने में जंजीर से बांध देता है और उसके सामने ही उस प्रोस्टिट्यूट को वो काट कर रख देता है और दागिनी बहुत चिल्लाती है। सीरियल किलर उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे बर्थडे तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और देखते हैं तुम्हारा गौतम तुम्हें ढूंढ पाता है या नहीं, या तो उसकी गर्दन तुम्हारे हाथ में होगी या मेरी। दागिनी बहुत रोती है। गौतम से मीडिया वाले सवाल पूछते हैं, गौतम कुछ नहीं कहता। सीन शिफ्ट होता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि सीरियल किलर को ढूंढे कैसे। एक ऑफिसर पूछता है कि इन सभी केसेस में कुछ कॉमन है। एक ऑफिसर कहता है इस सीरियल किलर ने जिसको भी मारा है सब अपने फील्ड के महारथी थे। सीनियर ऑफिसर कहता है ये नहीं हो सकता क्योंकि इसने 3 प्रोस्टिट्यूट्स को भी मारा है। सीन कट होता है। अगले दिन सारे पुलिस वाले एक जगह जाते हैं, वहाँ उन्हें प्रोस्टिट्यूट की लाश मिलती है बिना सर की। गौतम राजनायकम को कहता है मुझे वहाँ जाने दो। राजनायकम कहता है दागिनी के पापा ने कन्फर्म किया है ये उनकी बेटी नहीं है, अब तुम्हें क्या काम है? गौतम कहता है मुझे जाने दो। DSP आता है, सारे ऑफिसर से पूछता है कुछ क्लू मिला? सब मना करते हैं। गौतम डेड बॉडी सूंघ रहा था। सारे पुलिस वाले उसे वहां से भगा देते हैं। गौतम उस साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने दागिनी को नहीं मारा? साइकेट्रिस्ट कहती है उसके बहुत रीजन हो सकते हैं, क्या पता वो उसके लिए कुछ और सोच रहा हो, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तो पक्का है कि अभी दागिनी जिंदा है। गौतम वहां से जा रहा था, साइकेट्रिस्ट उसे रोकती है और कहती है तुम उसे ढूंढ सकते हो। गौतम कहता है मैं अंधा हूँ, मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ जब पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई तो? साइकेट्रिस्ट कहती है पुलिस वालों के पास आंख है तब भी वो नहीं ढूंढ पाए, अगर तुम दिल से ढूंढोगे तो तुम्हें वो पक्का मिल जाएगी, बस पुलिस के भरोसे मत बैठना वरना तुम दागिनी को पक्का खोदोगे। गौतम पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को कहता है प्लीज दागिनी को ढूंढ लीजिए वरना वो मारी जाएगी। पुलिस वाला कहता है हमें ऑर्डर मत दे और वो गौतम को भगा देते हैं। एक कॉन्स्टेबल आता है और कहता है कि ये आपकी मदद नहीं करेंगे, आपकी मदद सिर्फ एक जना कर सकता है, यहाँ की पुरानी सब इंस्पेक्टर, और वो कॉन्स्टेबल उसे एड्रेस देता है। गौतम वहाँ जाता है, उस सब इंस्पेक्टर का नाम कमला था। गौतम सीढ़ियों में जाता है और कमला कहती है कौन है? कमला की माँ कहती है सीरियल किलर के केस के लिए आया है। कमला कहती है इसे मेरे पास मत भेजो, इसे वहीं से भगा दो। और कमला की माँ कहती है बेचारा ब्लाइंड है, इसकी गर्लफ्रेंड का सीरियल किलर ने किडनैप कर लिया है। कमला कहती है भगा दो इसे। गौतम तब भी जाता है अंदर। कमला व्हीलचेयर पे थी, वो चल नहीं सकती थी, वो कहती है कि अंदर क्यों आए, मुझे अंधेरे में ही रहने दो। गौतम कहता है मैं तो बचपन से ही अंधेरे में ही हूँ। और कमला कहती है जाओ यहाँ से। गौतम नहीं जाता और बहुत रिक्वेस्ट करता है। कमला कहती है भाग और वो दागिनी की भी बेइज्जती करती है। गौतम उसके पास जाता है और उसका फेस ढूंढकर उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम औरों तक एक औरत की मदद नहीं कर रही हो और उसकी बेइज्जती कर रही हो। गौतम चले जाता है। कमला की माँ कहती है सही करा, ये इसी के लायक थी। सीन शिफ्ट होता है। पुलिस प्रोस्टिट्यूट के नेबर से पूछताछ करती है और बहुत पूछताछ के बाद पता चलता है कुछ सीरियल किलर के बारे में। और सीनियर ऑफिसर सभी पुलिस वालों को कहता है हमें बहुत बड़ा क्लू मिला है, सीरियल किलर जो भी है वो क्लीन शेव में है और वो हैंडसम है और वो महंगी कार से किडनैप करता है, अगर तुम्हें किसी के ऊपर भी शक हो तो उसे फौरन चेक करना। सीन शिफ्ट होता है। गौतम बहुत निराश था, राजनायकम उसे खाना देता है और गौतम खाना खाने से मना करता है और कहता है सब मेरी वजह से हुआ है और हाँ ये मेरी गलती है, काश मैं अंधा नहीं होता तो मैं दागिनी को बचा लेता। कमला अपनी माँ के साथ आती है, गौतम खुश होता है। कमला की माँ उसे कान में कुछ कहती है और गौतम को तेज थप्पड़ मारती है। गौतम तब भी खुशी से कमला के पास जाता है। कमला कहती है हमारे पास टाइम कम है, मुझे उस केस के बारे में कुछ याद नहीं है, हमें उस केस की फाइल चाहिए होगी। राजनायकम कहता है वो हमें कैसे मिलेगी? कमला कहती है हमें चोरी करनी होगी। रात को सीनियर ऑफिसर के घर जाने के बाद गौतम जाता है पुलिस स्टेशन में पीछे के रास्ते से और उसने हाथ में कैमरा ले रखा था। कमला कार में बैठे बैठे गौतम को इंस्ट्रक्शन देती है। गौतम फाइल रूम में जाता है और फाइल ढूंढता है। सीनियर ऑफिसर वापस आता है और वो फाइल रूम में ही जाता है और कोई गौतम का मुंह करता है और सीनियर ऑफिसर फाइल रूम में आता है। वहाँ वही कांस्टेबल था जिसने कमला के बारे में गौतम को बताया था। सीनियर ऑफिसर के जाने के बाद कांस्टेबल गौतम को बाहर निकालता है और उसे पूरे केस की फाइल की कॉपी की
फोटोकॉपी करके देता है और कमला की तारीफ भी करता है। सीन कट होता है सीरियल किलर दागिनी को खाना देकर चले जाता है। दागिनी खाना खाती है और उसे बहुत भूख लगी हुई थी। सीन शिफ्ट होता है कमला की माँ और कमला और गौतम और राजनायकम केस के बारे में डिस्कशन करते हैं। कमला कहती है स्टार्ट के केस में कोई भी सबूत नहीं था लेकिन लास्ट के केसेस में एक चीज़ कॉमन है, सबके यहाँ से उनकी कार या स्कूटी मिली है। राजनायकम कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने भी उसे नहीं देखा हो। गौतम कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले दिन कमला और गौतम उन लड़कियों के पेरेंट्स के पास जाते हैं जिनकी बेटियों का मर्डर हुआ था। लड़की के पेरेंट्स अब थक गए थे, वो बात नहीं करते। कमला कहती है ये बहुत बड़े बाबा हैं, ये आत्माओं से बात कर सकते हैं, ये इसलिए यहाँ आए हैं। लड़की के पेरेंट्स फिर उससे बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है लड़की के पापा उसे अपनी बेटी की स्कूटी दिखाते हैं और कहते हैं ये मेरी बेटी की स्कूटी है जो मिली थी। गौतम आगे चलता है और हर जगह अपनी स्टिक से इन्वेस्टिगेट करता है, उसे एक डस्टबिन मिलती है और ऐसे ही वो बहुत जगह जाता है और उसे हर जगह व्हीकल के पास एक डस्टबिन मिलती है ठीक 25 फीट की दूरी पर। गौतम को कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, वो राजनायकम को चॉकलेट लाने को कहता है और गौतम उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है और बातों बातों में उसे सवाल पूछता है। और गौतम को पता चलता है कि सीरियल किलर एक पापे के बहाने लड़कियों का किडनैप करता है। कमला गौतम और राजनायकम और कमला की माँ डिस्कस करते हैं। कमला कहती है इस क्लू का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो कौन सी ब्रीड का कुत्ता इस्तेमाल करता है। इस काम के लिए हमारे पास टाइम कम है। गौतम कहता है हमें पुलिस को पता देना चाहिए। कमला मना करती है और कहती है इसे दागिनी की जान को खतरा हो सकता है। गौतम बाहर जाता है और अपने दोस्तों को फोन करता है। सीन शिफ्ट होता है सीरियल किलर कार में था, एक लड़की कार से जा रही थी और उसकी कार के सामने पपी आ जाता है और सीरियल किलर का लड़की कार रोक के पपी के पास जाती है और सीरियल किलर कहता है ये मेरा पपी है, इसे कार के पीछे जरा रख दीजिए, ये भाग गया था। लड़की रखने जाती है लेकिन वो रुक जाती है और सीरियल किलर से कहती है कि आप सीरियल किलर नहीं लगते लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि कोई अगर कार में बुलाए तो ना जाए, इससे हम सीरियल किलर को पकड़ सकते हैं। और वो सीरियल किलर के सामने पपी रख के चली जाती है। सीरियल किलर को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने अड्डे पे जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एक हैकर के पास जाता है और जिसने वो ट्रेंड वायरल करी थी वो उसका पता लगाता है। जैसे ही हैकर उसे बताता है सीरियल किलर हैकर को भी मार के चले जाता है। और जिस लड़की ने सीरियल किलर की कार में पपी को डालने से मना किया था वो पार्किंग एरिया आती है, उसकी कार नहीं खुल रही थी। सीरियल किलर उसके गले में स्क्रू ड्राइवर घुसा के उसे मार देता है और उसे पॉलिथीन में लपेट के ले जाता है। पुलिस आती है लेकिन उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलता। सीरियल किलर दागिनी के सामने ही उस लड़की का भी सर काट देता है और कहता है गौतम तुम्हारे लिए आ रहा है, और सीरियल किलर वहां से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है गौतम को दागिनी की याद आ रही थी और कुछ आवाज़ आती है, वो बाहर जाता है। राजनायकम कहता है कोई नहीं है वहाँ। गौतम गेट खोलता है और वो गिर जाता है और वहाँ हमें दिखाया जाता है एक डेड बॉडी को, वो भी बिना सर के, और उसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे गौतम, और वो डेड बॉडी को सूंघ रहा था। और पुलिस गौतम को ले जाती है और उसे पूछताछ करती है और डीएसपी कहता है ये अंधा है, तब भी क्लू मिल गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। सीन शिफ्ट होता है गौतम और कमला और रामनायकम और कमला के माँ बैठे हुए थे। गौतम को बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से दो निर्दोष लड़कियों की जान चली गई थी। कमला उसे समझाती है और कहती है अगर हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कुछ बुरा तो होता ही है, और वो गॉड को दोष देती है। कमला की माँ से लड़ाई करती है, दोनों की कभी आपस में नहीं बनती थी। कमला हमेशा अपनी माँ से लड़ाई करती थी, वो अपनी माँ से नाराज थी। गौतम कहता है मुझे दो सुअर चाहिए। अगले दिन गौतम सुअरों को सूंघता है और घर पर वो कहता है कि ये स्मेल उन दोनों डेड बॉडी से भी आ रही थी, मतलब सीरियल किलर का सुअर का फार्म है पक्का। सीन शिफ्ट होता है सीरियल किलर ने दागिनी की एक जंजीर खोल दी थी और वो बाहर जाती है और वो देखती है कि वहाँ एक कॉन्स्टेबल की बहुत पुरानी डेड बॉडी थी और वहाँ एक ओल्ड वुमन थी। दागिनी कहती है आप उसके रिश्ते में लगती हो क्या? ओल्ड वुमन कहती है तुम्हारे पास सिगरेट है? दागिनी कहती है नहीं, ओल्ड वुमन कुछ नहीं कहती। गौतम कमला और राजनायकम और कमला की माँ बात कर रहे थे। गौतम मैप में लोकेशन देखता है, उसे क्लू मिलता है कि जितने भी प्रोस्टिट्यूट का मर्डर किया गया है वो सब एक ही एरिया से थी। कमला कहती है और हो सकता है अगर किसी कारण से सीरियल किलर किसी को ना मार पाता हो तो अपनी प्यास बुझाने के लिए वो प्रोस्टिट्यूट्स को मारता हो। गौतम कहता है ये हो सकता है और क्या पता वो उसी एरिया के आसपास रहता हो, हमें उस एरिया के सभी पिक्स फार्म में जाके चेक करना चाहिए। कमला कहती है ये अच्छा आइडिया है। सीन शिफ्ट होता है हमें सीरियल किलर को कुत्तों के साथ दिखाया जाता है। राजनायकम बहुत पिक्स फार्म में जाके पता करता है और एक पिक फार्म में एक बहरा ओल्ड मैन था, वहाँ एक ओल्ड मैन की फोटो थी। राजनायकम कहता है ये कौन है? ओल्ड मैन कहता है ये यहाँ के ओनर हैं। राजनायकम चले जाता है और वो सीरियल किलर का ही पिक फार्म था। गौतम भी हर पिक फार्म जाके पता कर रहा था, एक पुलिस ऑफिसर उसका पीछा कर रहा था। वो अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि गौतम सभी पिक फार्म में जा रहा है। सीनियर ऑफिसर मैप में देखता है, उसे कुछ याद आता है, वो एक ऑफिसर से बाइक की चाबी मांगता है और वो बाइक से पिक फार्म जाता है। वहाँ बहरा ओल्ड मैन था, वो कहता है यहाँ के ओनर पीछे हैं। सीनियर ऑफिसर जाता है उस सीरियल किलर
से कुछ बात करता है और कुछ देर बाद सीरियल किलर उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, सीनियर ऑफिसर बंधा हुआ था। दागिनी ऑफिसर को बड़ी मुश्किल से उसके मुंह पे पानी मार के उठाती है। सीनियर ऑफिसर कहता है, मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि गौतम तुम्हें बचाने आने वाला है, मैं तुम्हें हिम्मत देने आया हूँ। दागिनी कहती है, मैं आपको खोल देती हूँ, ये आपको मार देगा। सीनियर ऑफिसर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें बताने आया था और मेरा टाइम खत्म हो गया। वैसे भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखा है, अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। सीरियल किलर आता है, वो बड़े चाकू से उसे मारने ही वाला था। सीनियर ऑफिसर कहता है, मेरी लास्ट विश पूरी कर दो, मैं गाना गाना चाहता हूँ, अपना फेवरेट। सीरियल किलर कहता है, ठीक है। सीनियर ऑफिसर गाना गाता है, सीरियल किलर उसका सर काट के उसे मार देता है। गौतम कमला बात करते हैं, कमला कहती है, हो ना हो वो पक्का उन्हीं फार्म्स में था, लेकिन वो हमारे हाथों से बच गया, अब हम क्या करें। अगले दिन सुबह पुलिस को सीनियर ऑफिसर का खाली सर मिलता है और सीन शिफ्ट होता है। कमला के मौसम मना करती है कुछ दिनों तक कहीं जाने के लिए, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। कमला कहती है, दो दिन में सीरियल किलर दागिनी को ही मार देगा, हमें कुछ तो करना होगा। गौतम निराश होकर अपने घर जा रहा था। राजनायकम जाता है और कहता है, अब हमें उसे ढूंढना छोड़ देना चाहिए, वरना और जन जाएंगी और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। गौतम कहता, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मेरी जान चली जाए, मैं दागिनी को बचा के ही रहूंगा। राजनायकम कहता है, लाइफ बहुत कीमती है, उसे ऐसे वेस्ट मत होने दो। गौतम कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो तुम। राजनायकम कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। गौतम गुस्से में कहता है, जाओ जाके मर जाओ। सीन शिफ्ट होता है, कार आती है। गौतम को लगता है राजनायकम आया है, लेकिन वो सीरियल किलर होता है। गौतम बैग से कुछ निकालता है, सीरियल किलर चाकू लेकर तैयार रहता है, लेकिन गौतम एक प्लांट निकालता है। सीरियल किलर उसे चाकू मारता है, लेकिन पीछे से राजनायकम कार लेके आता है। सीरियल किलर भाग जाता है, राजनायकम उसके पीछे जाता है। एक जगह सीरियल किलर कार रोक देता है, राजनायकम उस कार के पास आता है, सीरियल किलर उसे चाकू मार देता है। गौतम का फोन आता है, राजनायकम मरते मरते भी उस कार का नंबर बताने वाला था, लेकिन सीरियल किलर उसका गला काट देता है और फोन पे गौतम से कहता है, कल आधी रात को मैं दागिनी को मारने वाला हूँ, अगर बचा सकता है तो बचा ले, और सीरियल किलर चले जाता है। बाद में पुलिस आती है, सीन शिफ्ट होता है। सीरियल किलर दागिनी को गौतम का प्लांट देता है। सीरियल किलर कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए। दागिनी पहले कुछ नहीं कहती, उसके बाद कहती है, सिगरेट चाहिए। सीरियल किलर कहता है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, गौतम राजनायकम की लाश के पास था, वहाँ डॉक्टर आता है। गौतम कहता है, इनकी डेथ कैसे हुई है। डॉक्टर कहता है, पहले बहुत बुरी तरीके से चाकू मारा था, उसके बाद उसके गले पे बहुत बुरी तरीके से कट मारा और इनकी एक लिटिल फिंगर भी गायब है। गौतम कहता है, ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहता है, पता नहीं। कमला आती है, गौतम बहुत रोता है और गौतम कमला से कहता है, मुझे घर छोड़ दो, मुझे अब नहीं ढूंढना, मैं नहीं चाहता कि किसी और की जान जाए, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, मैं अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। कमला कहती, तुम्हें अब पता चला तुम हैंडीकैप हो, तुम्हें अब एहसास हुआ, मैं बहुत पहले से ही कह रही थी कि ये सब मत करो, लेकिन तुमने कुछ नहीं सुनी और इतनी आगे आ गए हम। दागिनी की जान आज रात को चली जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम जानते हो, सीरियल किलर की वजह से मैंने अपने पैर खोए हैं। मुझे आज भी वो कॉलेज का दिन याद है जब मैंने उसे लगभग पकड़ लिया था, लेकिन वो भाग गया और उसकी वजह से मेरे पैर चले गए। गौतम को आइडिया आता है, वो कहता है, हम वापस कॉलेज जाएंगे और वीडियो फुटेज चेक करेंगे, क्या पता हमें कुछ पता चल जाए। कमला और गौतम और कमला की माँ कॉलेज जाते हैं, वहाँ की वीडियो फुटेज देखकर उन्हें एक जने पे शक होता है, क्योंकि उसका फेस नहीं दिख रहा था और उसने कैप लगा रखी थी। सीन शिफ्ट होता है, गौतम और कमला कॉलेज में एक आदमी को बुलाते हैं जो उस दिन उस कैप वाले आदमी के बगल में बैठा था। वो आदमी बताता है कि उस कैप वाले आदमी ने कुछ बात तो नहीं करी, लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, जब उस आदमी ने कैप वाले आदमी को पॉपकॉर्न ऑफर करा तो उसने लेफ्ट हैंड से लिया, वो जरूर लेफ्टी होगा। गौतम कहता है, जब उसका राइट हैंड पॉपकॉर्न के बहुत पास था तब भी उसने लेफ्ट हैंड से लिया तो कुछ तो गड़बड़ होगी। वो आदमी कहता है, हाँ उसका राइट हैंड पूरे शो के दौरान उसकी जेब में ही था, उसने एक बार भी अपना राइट हैंड नहीं निकाला। कमला कहती है, तब तो पक्का लेफ्टी नहीं हो सकता वो। गौतम को कुछ याद आता है, वो अपनी कार की तरफ जाता है और राजनायकम के सामान में उसे एक टॉर्च दिखती है, उसके अंदर राजनायकम की छोटी उंगली थी। सीन शिफ्ट होता है, गौतम कमला और कमला की माँ कार के शोरूम में जाते हैं और कॉलेज से उन्हें पता चलता है कि सीरियल किलर सेडान से आया था और ये कार बहुत कम लोगों के पास होती है। कमला और गौतम पूछताछ करते हैं, लास्ट में उन्हें पता चल ही जाता है सीरियल किलर के पिक फार्म के बारे में, उसका नाम अंगुली मल था। सीन शिफ्ट होता है, गौतम कमला और कमला की माँ उस फार्म पर जाते हैं। कमला की माँ कहती है, मैं उसके सामने जाऊँगी, तुम पीछे से सबूत इकट्ठा करना। गौतम कहता, नहीं मैं उसके सामने जाता हूँ। कमला की माँ कहती है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और वो तुम्हें जानता है और कमला को भी, मैं उसका ध्यान भटका सकती हूँ। कमला कहती है, गौतम माँ को जाने दो और कोई तरीका नहीं है।
कमला की माँ जाती है और उस बहरे ओल्ड मैन से बात करती है। कमला गौतम को डायरेक्शन देती है, गौतम कुछ ढूंढता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। कमला कहती है उस अलमारी के ऊपर ढूंढो और उन्हें वहाँ एक मैप मिलता है और गौतम वो मैप को कमला को दिखाता है। सीन शिफ्ट होता है, दागनी उस ओल्ड वुमेन को सिगरेट देती है और उसके बारे में पूछती है। ओल्ड वुमेन कहती है मैं उसकी टीचर थी, वो ऑर्फन में पढ़ता था, एक दिन मैंने उसे मैस्टर्बेशन करते हुए पकड़ लिया, वो सबसे बड़ा पाप था। दागनी कहती है ये कोई पाप नहीं होता। ओल्ड वुमेन कहती है ये बहुत बड़ा पाप है, गॉड कभी माफ़ नहीं करेंगे हमें कभी भी, इसलिए मैंने उसे उंगली मल को डेली 60 डंडे मारे उसके राइट हैंड में, वो भी लगातार 365 दिन तक। और एक दिन उसने मुझे एक नुकीली चीज़ से मारने की कोशिश करी और अभी तक उसका जख्म है। उसके बाद से उसे ऑर्फन से निकाल दिया था और वो बाल सुधार केंद्र में था। दागनी कहती है वो पुलिस वाला कौन है जिसकी वहाँ डेथ बॉडी पड़ी है। ओल्ड वुमेन कहती है पता नहीं। दागनी बहुत हैरान हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, गौतम कमला डिस्कशन कर रहे थे। कमला की माँ कहती है हमें पुलिस को बता देना चाहिए उसकी लोकेशन। कमला कहती है अगर हमने पुलिस को बताया तो सीरियल किलर भाग जाएगा लेकिन उससे पहले वो दागनी को मार देगा। गौतम कहता है मैं दागनी के लिए कुछ भी करूँगा। गौतम मैप पे मैस्टिक लगा के पूरा मैप याद रखता है सीरियल किलर के अड्डे का। सीन शिफ्ट होता है, कमला और गौतम कार से जाने के लिए निकलते हैं। कमला अपनी माँ को नहीं ले जाती, गौतम कार चलाता है, कमला उसे डायरेक्शन बताती है। कमला बहुत डरी हुई थी क्योंकि बहुत बार उनका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। कमला कहती है तुम मुझे मारना चाहते हो क्या। गौतम कमला के डायरेक्शन में कार चलाता है और बहुत बार कार ठुकती है। सीन शिफ्ट होता है, सीरियल किलर दागनी की आंख में पट्टी बांध के उसे एक जगह ले जाता है। सीरियल किलर उसे चेयर से बांधता है। ओल्ड वुमेन हंस रही थी चेयर में बैठ के और उसके पीछे बहुत सारे लड़कियों के सर लगे हुए थे। वहाँ सीरियल किलर एक होल से निकलता है, उसने स्कूल ड्रेस पहन रखी थी। ओल्ड वुमेन सीरियल किलर से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने हाथ को कहाँ डाल रहे हो, तुम जानते हो ना ये पाप है। सीरियल किलर बहुत रोता है और कहता सॉरी मैडम, मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ मैंने कुछ गलत नहीं किया। और मैं कसम खाता हूँ, सीरियल किलर बहुत रोता है और कहता है मैडम मुझे बस अभी एक रात सोने दीजिए प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आगे से काम नहीं करूँगा, मेरे से गलती होगी। और वो बहुत रोता है, दागनी उसे देखकर रोती है। सीरियल किलर मेंटली डिस्टर्ब था, उसके साथ जो बचपन में हुआ था वो उसे बुला नहीं पाया था और वो कभी कभार ये कर वो दिन याद करता है। और सीरियल किलर बहुत रोता है और माफ़ी मांगता है और वो वापस गुफा में चले जाता है। दागनी उसे देखकर बहुत रोती है। सीन शिफ्ट होता है, गौतम और कमला सीरियल किलर के लोकेशन पे पहुंचते हैं। कमला कहती है हमारे पास बहुत कम टाइम है, जो करना है जल्दी करना होगा। गौतम जा रहा था कार से उतरकर। कमला कहती है आज मैं बहुत सालों के बाद गॉड से प्रे करूंगी तुम्हारे लिए। गौतम जाता है, सीरियल किलर दागनी को लिटाता और उसकी गर्दन काटने वाला था। दागनी कहती है तुमने उस पुलिस ऑफिसर को क्यों मारा। दागनी उस पुलिस ऑफिसर की बात कर रही थी जिसकी डेथ बॉडी दागनी ने कमरे में देखी थी। सीरियल किलर कहता है जब मैं बाल सुधार केंद्र में था तो पुलिस ऑफिसर ने मुझे बहुत सालों तक मोलेस्ट कर रहा था और उस टाइम मैं उन्हें देख भी नहीं पाता था, लेकिन अब मैं उन्हें डेली देखता हूँ। दागनी कहती है आज मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट दोगे। सीरियल किलर कहता है क्या। दागनी कहती है प्लीज़ गौतम को मत मारना। सीरियल किलर कुछ नहीं कहता लेकिन तभी अलार्म बजता है, इसका मतलब कोई उसके अड्डे पर आया था। सीरियल किलर चिल्लाता है और गौतम को पकड़ने जाता है। सीरियल किलर बहुत तेज चिल्ला रहा था, सीरियल किलर उसके पास भागते हुए आता है उसे मारने। गौतम हट जाता है, सीरियल किलर बहुत दूर जाके गिरता है। गौतम हर चीज पकड़ पकड़ के चल रहा था। सीरियल किलर के मुंह से खून निकल रहा था, वो चिल्लाता है और कहता है गौतम तुम जीत गए, तुम यहाँ आ गए, मैं हार गया, जल्दी मेरे पास आओ और मुझे मार दो। और वो रोता है और वो बैठ जाता है। उसके पीछे गौतम आता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया हूँ, मैं दागनी को लेने आया हूँ। सीरियल किलर उसे चाकू से मारता है और दूसरी बार उसे मारने जा रहा था। गौतम कहता है सॉरी और वो उसे शॉक देता है। सीरियल किलर बेहोश हो जाता है, गौतम उसके पैर जंजीर से बांध देता है और गौतम घायल हालत में दागनी को ढूंढता है और उसे दागनी की आवाज़ आती है और वो जाता है, वो उसे छुड़ाता है। सीरियल किलर भी घिसड़ते घिसड़ते आता है लेकिन दागनी और गौतम भाग जाते हैं। सीरियल किलर कहता है टीचर मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे अकेला डर लगता है, मुझे मार दीजिए, गौतम गेम जीत गया, मुझे प्लीज़ मार दीजिए। दागनी को उस पर तरस आता है, वो गौतम से चाबी लेकर वहाँ रख देती है और गौतम के साथ भाग जाती है। सीरियल किलर घिसड़ते घिसड़ते आता है, ओल्ड वुमन वो चाबी उठाती है और खा लेती है। सीरियल किलर उसके पास जाके उसे मार के उसके पेट से चाबी निकालता है और दागनी और गौतम के पीछे जाता है, लेकिन दागनी और गौतम कार तक जाते हैं जहां कमला उनका इंतजार कर रही थी और वो तीनों भाग जाते हैं और सीरियल किलर बहुत रोता है। सीन शिफ्ट होता है, दागनी का इंटरव्यू होता है, कुछ रिपोर्टर सवाल करते हैं उसने आपको मारा क्यों नहीं। दागनी कहती है पता नहीं। रिपोर्टर कहता है वो अभी भी फरार है, आपको डर नहीं लगता वो आपको वापस ना मार दे।
दागिनी कहती है वो मुझे अब नहीं मारेगा। हैरी पॉटर कहता है आप उसके साथ रहकर आई, आपको क्या लगता है वो लोगों को क्यों मारता था? दागिनी कहती है पता नहीं, लेकिन मैंने उसके अंदर किलर नहीं देखा, मैंने उसके अंदर एक बच्चा देखा जो प्यार का भूखा था। मैं उसके साथ एक हफ्ते रहकर आई, उसने मुझे टच तक नहीं करा और उसने मेरा ख्याल रखा। मैंने उसकी आंखों में ऑर्फनेज का दर्द देखा और उसके अकेलेपन का दर्द देखा, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने उसे माफ़ कर दिया और मैं उसे एक माँ और बहन का प्यार देना चाहती हूँ और उसको हर प्यार देना चाहती हूँ जो उसको बचपन में नहीं मिला। सीरियल किलर दूसरे टीवी पर देख रहा था और वो एक खाई से कूदकर अपनी जान दे देता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये मूवी उंगलीमल की स्टोरी से इंस्पायर्ड थी। उंगलीमल एक किलर था जो लोगों की उंगलियां काटकर उसकी माला पहनता था, लेकिन जब वो बुद्धा से मिला उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सब छोड़ दिया। इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही था। बचपन में सीरियल किलर को उसके टीचर ने मैस्टरबेशन करने की वजह से 365 दिन में डेली मारा और उसे सोने भी नहीं दिया, और उसके बाद जब उसे बाल सुधार केंद्र में भेजा गया तो पुलिस वाले ने उसे बहुत सालों तक मोलेस्ट करा था, लेकिन जब दागिनी ने उसे माफ़ कर दिया और कहा उसने मेरा भाई जैसा ख्याल रखा, तब सीरियल किलर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी जान दे दी। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।